प्यारे बच्चों, 20वीं शताब्दी में भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले एक मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी के बारे में आज हम जानेंगे, जिन्हें शहनाई का जादूगर भी कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत की प्रथम गणतंत्र की संध्या, शहनाई की मधुर तान संपूर्ण वातावरण में एक अद्भुत रस घोल रही थी। श्रोता भाव विभोर होकर स्वर की इस अद्भुत बाजीगरी का आनंद ले रहे थे। शहनाई की ये धुन पवित्र गंगा की तरह स्वर के माध्यम से सीधे उनके हृदय में प्रवाहित हो रही थी। इस शहनाई को बजाने वाले शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला खान का जन्म 21 मार्च 1916 को डुंगराव बिहार में हुआ था। इनके पूर्वज डुंगराव रियासत में दरबारी संगीतज्ञ थे। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें अपने चाचा अली बख्श विलायत से मिली। अली बख्श वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्ला खान ने अपना सारा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। उन्होंने शहनाई वादन को विश्व स्तर पर नित नई ऊंचाइयां देने का निश्चय किया। बिस्मिल्ला खान ने अपने शहनाई की गूंज अफगानिस्तान, यूरोप, ईरान, इराक, कनाडा, अफ्रीका, रूस, अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत विश्व के सभी प्रमुख देशों के श्रोताओं तक पहुंचाई। संगीत में अतुलनीय योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, मध्य प्रदेश राज्य पुरस्कार, पद्म भूषण जैसे सम्मान और विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डॉक्टरेट की मानद उपाधि उनके ख्याति की परिचायक है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान अत्यंत विनम्र, मिलनसार और उदार व्यक्तित्व के धनी थे। ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे। संगीत के प्रति समर्पण, कड़ी मेहनत, घंटों अभ्यास, संयमित जीवन और देश प्रेम की अटूट भावना जैसे गुणों ने उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति प्रदान की। आपका निधन 21 अगस्त 2006 को हो गया, जो भारतीय संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति रही।